दिनभर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ को मिला नई रेल का तोहफा, अनूपगढ़ बठिंडा व बठिंडा सूरतगढ़ नई गाड़ी शुरू। कैनाल कालोनी ने स्कूल नहीं होगा बंद, मुख्य शिक्षा अधिकारी दिए स्कूल यथावत संचालन के आदेश। 7 जुलाई को होगा रन फॉर वन का आयोजन, विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत प्रतिभागियों को वोट दिए जाएंगे पौधे। मानसून के दौरान बारिश को लेकर नगर परिषद तैयार, पानी निकासी को लेकर पंप व इंजन की व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। रेल सुविधाओं में विस्तार करते हुए क्षेत्र की जनता को नई गाड़ियों का तोहफा मिला है, जिसके तहत यात्री सुविधाओं का विस्तार करते हुए बठिंडा अनूपगढ़ बठिंडा व बठिंडा सूरतगढ़ बठिंडा रेल मार्ग पर प्रतिदिन स्पेशल गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया। शनिवार को अनूपगढ़ बठिंडा रेलगाड़ी को रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी ने झंडी दिखाई। अनूपगढ़ बठिंडा ट्रेन से रेल राज्य मंत्री हनुमानगढ़ भी पहुंचे। बीकानेर रेल मंडल की ओर से बठिंडा से अनूपगढ़ के बीच शनिवार को अनूपगढ़ बठिंडा ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। अनूपगढ़ से 12:30 पर रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी ने झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। 3:15 पर अनूपगढ़ बठिंडा हनुमानगढ़ स्टेशन पहुंची। अनूपगढ़ बठिंडा ट्रेन से हनुमानगढ़ पहुंचे रेल राज्य मंत्री कुछ देर के लिए हनुमानगढ़ स्टेशन पर भी रुके, जहां भाजपा नेता अमित साहू, राम सिंह सिद्धू, पार्षद जीतू सोनी, विजय कौशिक ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न समस्याओं को लेकर रेल राज्य मंत्री को ज्ञापन के जरिए अवगत भी करवाया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी का कहना था कि पंजाब और राजस्थान को जोड़ने का काम किया गया है, जो पीएम नरेंद्र मोदी का सपना था। वही हनुमानगढ़ में वाशिंग लाइन को लेकर उन्होंने उच्च स्तर पर चर्चा करने की बात भी कही। आज की यात्रा का आपका जो कैसा रहा उसके बारे में? बहुत खुशी हो गया। आज पंजाब और राजस्थान जोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी का एक स्वप्न था, पूरा दुनिया को जोड़ दिया योगा करके। ये रेलवे आज पंजाब और राजस्थान को जोड़ने का काम किया है। हनुमानगढ़ में ओपनिंग कर से लोगों के लिए सुविधा की है। सबका हृदय जोड़ने का काम कोई भी करता है तो रेलवे करता है। सर, एक वाशिंग लाइन की बहुत बड़ी मांग है, आगे बढ़ रहा है बहुत जोर से और सही आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी सर, सर वाशिंग लाइन की एक बहुत बड़ी मांग है इस क्षेत्र की। सर, ये लोगों का डिमांड है, मैं ये भी सुना है, मुझे समझ भी आ गया। मैं संबंधित अधिकारी लोगों के साथ बात करके आगे कार्रवाई करेंगे। मांगे और आप आए, हम समझ रहे हैं कि आप वाशिंग लाइन लेके आए हमारे लिए। आज हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पे जिस गाड़ी का उद्घाटन आज रेल राज्य मंत्री महोदय ने अनूपगढ़ से किया 12:30 बजे, उस ट्रेन का यहाँ पे हमने लगभग 4 बजे पहुँची, उसका हमने गार्ड साहब का और ड्राइवर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उसके थोड़ी ही देर, आधे पौन घंटे बाद में रेल राज्य मंत्री महोदय की ट्रेन यहाँ पे स्पेशल ट्रेन आई, उनके सामने हमने हनुमानगढ़ के अंदर सिर्फ एक मांग रखी, वो वाशिंग लाइन की। क्योंकि वाशिंग लाइन यहाँ पे पहले थी, कंट्रोल रूम यहाँ था, कैरिज का स्टाफ था, ट्रेन लाइट का था, कंट्रोल रूम था और लोको शेड था, लेकिन वो सारे के सारे यहाँ से एकदम से गंगानगर शिफ्ट कर दिए। अब हमारी सिर्फ एक मांग है कि वाशिंग लाइन हमें दी जाए, जो रेल राज्य मंत्री महोदय ने सहर्ष उसे स्वीकार किया, हमने उनको मांग पत्र सौंपा। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक और काफ़ी पार्टियों के लोग, पदाधिकारी, नेतागण सभी मौजूद थे। क्षेत्र की एक ही मांग थी और डॉक्टर राम प्रताप जी की इच्छा थी कि सभी लोग जितने भी हैं वो एक मांग के ऊपर पहले मंथन करें और उसके बाद में उस मांग को आगे रखें। सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग वहां जमा हुए, उन सब ने ये बात कही कि भी अपने को एक ही चीज़ चाहिए, वो चाहिए वाशिंग लाइन। तो डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व के अंदर, डॉक्टर राम प्रताप जी खैर नहीं पहुँच सके, अमित साहू जी थे, तो हमने उनके नेतृत्व के अंदर जो रेल मंत्री जी से मुलाकात करी थी और आप भी उपस्थित थे, तो हमने जो है ये मांग करी है कि हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर वाशिंग लाइन बननी चाहिए। उन्होंने हमारी बात को जो है बड़े गौरपूर्वक सुना और सहानुभूतिपूर्वक भी सुना। उन्होंने कहा कि आपकी मांग जो है मैं आप जंक्शन स्थित कैराल कॉलोनी स्कूल में अब बच्चे पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। दरअसल अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनने के बाद बंद हो चुके इस स्कूल को लेकर कई दिनों से अभिभावक और जनप्रतिनिधि धरने पर थे और स्कूल चलाने की गुहार लगा रहे थे। शनिवार सुबह अभिभावक और विभिन्न वार्डो के पार्षदों ने जब स्कूल के आगे धरना लगाया तो शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुँच समस्या के निवारण का आश्वासन दिया। मुर्दाबाद, जिला शिक्षा अधिकारी, मुर्दाबाद।
जंक्शन की कैनाल कालोनी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अब बंद नहीं होगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी तेजस सिंह गदराणा ने धरने पर बैठे अभिभावकों को जनप्रतिनिधियों को मौके पर पहुंच विद्यालय बंद नहीं करने का आश्वासन दिया, लेकिन अभिभावकों के लिए यह नाकाफी था। उन्होंने लिखित आदेशों की मांग की, जिसके बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तेजस सिंह ने अभिभावकों को लिखित में आश्वासन देकर कहा कि यह स्कूल यथावत ही चलाया जाएगा, इसमें दो और शिक्षक लगा दिए जाएंगे। इस तरह अब चार शिक्षक इन बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसे में अब 105 बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। वहीं इससे पूर्व अभिभावकों सहित पार्षद स्कूल के समक्ष धरने पर बैठे और इस विद्यालय को मर्ज करने के बजाय यथावत रहने देने की मांग की। वार्ड 38 के पार्षद जीतू सोनी ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से इस स्कूल को खुलवाने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच शिक्षकों को भी कार्यमुक्त कर दिया गया था। इन बच्चों की पढ़ाई को लेकर हर कोई चिंतित था, लेकिन अब यह बच्चे स्कूल जा सकेंगे। इस मौके पर माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, पार्षद परमजीत सोनी, रघुवीर वर्मा, भाजपा महामंत्री विजय कौशिक, नगर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव नारायण नायक, गुरुदीप सिंह बराड़, पार्षद राम सिंह सिद्धू आदि उपस्थित थे। विद्यालय से संबंधित यहाँ के वार्ड प्रतिनिधि और अभिभावकों द्वारा इस स्कूल की समस्या के संबंध में दो दिन से यहाँ आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था। आज मैं यहाँ मौके पर पहुंचा और मैंने इनको विश्वास दिलाया कि ये जो बच्चे हैं ये यहीं पढ़ेंगे और इनकी हम जो स्टाफ यहाँ से हमने महात्मा गांधी विमर्श होने के कारण यहाँ से हटाया गया, तो उनकी जगह आज वो टीचर भेजे हैं और कल यहाँ और अध्यापकों की व्यवस्था करके इन ये बच्चे यहीं पढ़ेंगे, ये स्कूल यहीं चलेगा, ये मैंने इनको आश्वासन दिया है और ये मेरी बात को इन्होंने माना है और आज इन्होंने अपना जो आक्रोश जो है समाप्त किया गया और मैंने इनको पूरा विश्वास दिलाया है कि ये बच्चे यहीं रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अपने विवेक पर मैं मेरी फैक्चुअल रिपोर्ट ऊपर भेजूंगा, इसी के अनुसार कार्रवाई होगी। जिला शिक्षा अधिकारी तेजस सिंह आए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी ने लिख के दिया है कि ये स्कूल यहीं चलेगा और यही बात जो है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने की है कि हम यहाँ दो का स्टाफ लगा दिया, कल चार का स्टाफ लगाएंगे और ये स्कूल यहाँ चलेगा, किसी भी सूरत में इसको हम बंद नहीं होंगे। ये उन्होंने लिखित में भी दिया है और मुख्य तौर पर भी कहा है और उनके आश्वासन के आधार पर हमने आज का धरना जो है वो समाप्त किया और हमें विश्वास है कि ये स्कूल बंद नहीं होगा। इसके बाद भी अगर राज्य सरकार इसमें कुछ करती है तो निश्चित तौर से इसके परिणाम गंभीर निकलेंगे और हम सारे लोग इसकी लड़ाई को लड़ेंगे, इस स्कूल को किसी भी स्कूल में बंद नहीं होगा। आज तीसरे दिन हमने तेजस सिंह गिदवाड़ा यहाँ आए और रणवीर जी और राजेंद्र जी यादव ये सब लोग आए, उन लोगों से हमारा जो आज प्रदर्शन था उसके उन लोगों के बैठ कर बात हुई कि ये स्कूल नहीं बंद होगा और ये जो टीचर है जो इनको यहाँ लगा दिया गया है और ये स्कूल के बच्चे जो है वापस इसी स्कूल में नियंत्रण पढ़ते रहेंगे और भी इसमें अगर कोई स्टाफ किया थाने में की या किसी शिक्षा के अभाव में को जरूरत पड़ी तो इस स्कूल को पूरी सुविधा दी जाएगी। आज उनके आश्वासन पे हमने ये धरना चखा है, अगर भविष्य में अगर इस स्कूल से और इन बच्चों के साथ अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई खिलवाड़ करती है शिक्षा विभाग तो हम इसके बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज हमारी संघर्ष समिति के जितने भी आज मेंबर हमारे जो यहाँ बैठे थे वो सब लोग इसी संकल्प पे है कि अगर इन बच्चों के साथ अगर शिक्षा की तरफ से किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ हुआ तो हम वापस इसी स्कूल के आगे ताला लगाकर यह धरना लगाएंगे। समस्या थी ये केनाल कॉलोनी स्कूल बंद है, इसमें 105 बच्चे अध्ययन थे पढ़ रहे थे, उनका इन्होंने अंग्रेजी मीडियम में मर्ज कर दिया था, उसकी वजह से हम यहाँ पे आए, जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे, दो दिन से हम धरना दे रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने आज हमारे को जिला शिक्षा अधिकारी जी आए, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि 105 बच्चे यहीं पढ़ेंगे, उनका कहीं भी नहीं जाने की जरूरत है, यही बिल्डिंग रहेगी। उनके इस आश्वासन पर हम मान्य हैं, हमने धरना उनके कहने पर समाप्त किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई को रन फॉर वन का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय सोनी ने अपनी टीम के साथ टाउन में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास व्यवस्था का जायजा लिया। रन फॉर वन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण करना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। रन फॉर वन में करीबन 1000 लोगों के भाग लेने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह कि इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को एक एक पौधा गोद दिया जाएगा। 7 तारीख को सुबह 6 बजे भगत सिंह सर्किल से लेके यहाँ रिलायंस पेट्रोल पंप तक रन फॉर वन पर्यावरण संरक्षण को लेकर के
पर्यावरण के लेकर के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए और पेड़ पौधों का न केवल लगाना बल्कि लगा करके उनका बड़ा होने तक देखरेख करना, पालन पोषण करना, इन सब की जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाने के लिए रन फॉर वन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो प्रतिभागी भाग लेंगे उनको यहाँ पर एक एक पौधा गोद दिया जाएगा। जो पौधा गोद देंगे उनको ये शपथ भी दिलाएंगे कि वो इस पौधे को न केवल लगाएंगे बल्कि उनका पालन पोषण करेंगे और अपने बच्चे की तरह उसकी देखरेख करके बड़ा करेंगे। आज की तारीख में ये बहुत बड़ी समस्या है कि जंगल नष्ट हो रहे हैं, पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं, पेड़ पौधों की कमी के कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और तापमान में वृद्धि हो रही है। इसी के लिए राजस्थान लेवल पर ये एक ही दिन एक ही समय में राजस्थान के सभी ज़िलों में ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारा प्रयास है कि हर एक स्कूल पर, कॉलेज पर, आम पब्लिक जहाँ सुबह व शाम घूमने जाती है उनमें जागृति पैदा करना और लोगों में पर्यावरण के प्रति एक उत्साह का माहौल बनाना हमारा प्रयास है। इसके अतिरिक्त 13 जुलाई 2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत भी है, इसके लिए भी प्रचार प्रसार करना और लोगों में राजीनामा के माध्यम से किस प्रकार से अपने विवादों को समाप्त किया जाए ये हमारा सबका प्रयास है। इसीलिए आज हम न्यायपालिका की और एडीआर सेंटर की पूरी टीम इस एरिया का निरीक्षण करने के लिए आई है। मानसून अगर मेहरबान हो जाए तो अच्छी बारिश की संभावना बनी रहती है। बात अगर हनुमानगढ़ की करें तो यहाँ बिन मानसून होने वाली बारिश से ही अव्यवस्थाओं का आलम बन जाता है। सबसे बड़ी समस्या होती है पानी निकासी। पानी निकासी नहीं होने से शहर में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है। तब माना जाता है कि अचानक हुई बारिश से समस्या पैदा हुई है, लेकिन मानसून का आगमन होने वाला है। ऐसे में हमने जारी नगर परिषद से मानसून को लेकर शहर में पानी निकासी को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाएं। मानसून का आगमन होने वाला है, ऐसे में अच्छी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन मानसून की मेहरबानी से पहले शहर की व्यवस्था की जिम्मेवार नगर परिषद से जानी बारिश के मौसम में एहतियातन की जाने वाली व्यवस्थाएं। आयुक्त शैलेंद्र गोदारा से मानसून के हनुमानगढ़ पहुंचने से पहले की तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई। आयुक्त शैलेंद्र गोदारा ने कहा कि जंक्शन और टाउन में कई जगहों पर जलभराव की समस्या अधिक रहती है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से निकटवर्ती धर्मशालाओं को पाबंद किया गया है कि लोग आश्रय ले सकें। बताया गया कि टाउन की मुखर्जी कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, बिहारी बस्ती सहित नई कुंजा के क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। पानी निकासी को लेकर पंप सेट की व्यवस्था के सवाल पर आयुक्त का कहना था कि जंक्शन और टाउन में पंपिंग स्टेशन पर मोटर और जनरेटर इंजन की व्यवस्था की गई है ताकि तुरंत प्रभाव से पानी निकासी शुरू हो सके। वहीं आयुक्त ने बताया कि 7 इंजन पंपों की व्यवस्था अलग से की गई है ताकि जल भराव की स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। वहीं उनका कहना था कि विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए सीमेंट के खाली थैलों में मिट्टी भरने के लिए भी टेंडर किए गए हैं। प्रयास रहेगा कि शहर में मानसून के दौरान अनावश्यक परेशानी न हो। परिषद के टाउन और जंक्शन है, कुछ एरिया नीचे एरिया है और उनको उनका चिन्हीकरण कर लिया गया और उनके आसपास जो धर्मशाला है उनके उनको पाबंद कर दिया गया। अगर उनको जल भराव की समस्या आती है तो उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। वैसे टाउन और जंक्शन है तो पंपिंग स्टेशन है, उन पे मोटर और जनरेटर इंजन सब की व्यवस्था की हुई है। जब भी बारिश आएगी तो तुरंत चल जाएंगे और जल्दी से जल्दी शहर की पानी निकासी की जाएगी। कुछ एरिया चिन्हित कर रखे, कोई बताएंगे कहाँ कहाँ? जैसे टाउन में मुखर्जी कॉलोनी है और बिहारी बस्ती है, जंक्शन के अंदर सुरेश या खुंजाम कुछ एरिया है तो जल भराव वाला है। टाउन में अम्बेडकर कॉलोनी भी जल भराव वाली है, तो हमारे पास 7 इंजन एक्स्ट्रा है, जरूरत पड़ते वहाँ इंजन भी लगवा देंगे। और हमने सीमेंट के खाली थैले के मिट्टी के भी टेंडर कर रखे हैं। हर बार यहाँ समस्या आती है, इस बार ना आए तो उसको लेकर पहले से क्या रहेगा? एक बार बरसात आने पर थोड़ी बहुत एक बार जल भराव की होती है, इससे नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं तो एक घंटे के अंदर अंदर उसको दुरुस्त करवा देंगे। पंजाब से नहरों में आने वाले दूषित पानी के खिलाफ निर्मल जल जन जागृति अभियान के तहत विप्रो फाउंडेशन की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत दुर्गा मंदिर से हस्ताक्षर अभियान का आगाज करते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कथा में शामिल महिलाओं ने भी हस्ताक्षर किए। जिलाध्यक्ष कालूराम शर्मा ने बताया कि पंजाब से अपशिष्ट पदार्थों के रूप में हमारी नहरों में प्रदूषित किया जा रहा है, जिससे हनुमानगढ़ में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के रोगियों की संख्या बढ़ रही है।
जन अभियान के तहत ये जो संघर्ष चल रहा है हमारे हनुमानगढ़ में, पंजाब में और गंगानगर जिले के अंदर, इसी को लेकर हमारी बार बार हर वार्डों के अंदर बैठकें हो रही है। आज इसी क्रम के अंदर एक डल टाउन से हमारा पंजाब गया है, जहाँ गंदा पानी गिरता है उसी को लेकर देवेंद्र पारिक जी के नेतृत्व पे और टाउन के महादेव जी भार्गव हैं और कई लोग हैं, और इसी क्रम के अंदर आज हमने विप्र फाउंडेशन की तरफ से नृपेन जी शर्मा जोशी जी और हम सब ने एक अभियान, हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जो दुर्गा मंदिर कथा हो रही है वहाँ पर सैकड़ों महिलाओं ने समर्थन दिया है और 15 तारीख को आने के लिए सभी को पीले चावल बांटे गए। इसी को लेकर हम हर वार्डों के अंदर कचहरी में भगत सिंह चौक पर अपने हस्ताक्षर अभियान चला के 15 तारीख का जन समर्थन जुटा रहे हैं, जिसमें अधिक से अधिक लोग आए और इस संघर्ष में शामिल हों। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिनभर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीए, एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एमकॉम, एबीएसटी, एमए ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान पाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर प्रदेश भर में आज रक्तदान महादान। इस वक्तव्य को साकार करते हुए राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सामाजिक सरोकार से जुड़कर विकास अधिकारियों द्वारा 17 यूनिट रक्तदान किया गया। पूर्व में हमारे संघ द्वारा जो अपने शहीद हुए थे उनको भी 11.5 लाख रुपये संघ के द्वारा दिए गए थे। तो हमारा जो संघ है उसका उद्देश्य ये मात्र यही रहा है कि सामाजिक सरोकार, समाज सेवा और जो हमारी ड्यूटी बनती है उसमें भी हम समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। तो हमारा आह्वान यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को ये कहते हैं कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी समय निकल सके तो समाज के लिए, समाज की सेवा में दिया जाए। जैसे ये हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो इससे यही समाज हम देना चाहते हैं कि दान किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, कि ये जरूरी नहीं है कि हम क्या चीज़ दान करें। तो इसमें हमने ब्लड जो आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत की वस्तु है तो हमने इसको चुना है। हमारे संघ ने पूरे राजस्थान में, आज प्रदेश भर में हर जिले पे इस तरीके की हमारी इकाई द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें ब्लड डोनेट का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। विकास अधिकारी कार्यकारिणी, प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हमारे 16वीं कार्यकारिणी का जो गठन किया गया है पुष्कर राज में, उनके आह्वान पर आज पूरे राजस्थान में ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा गया है। उसी क्रम में पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आज ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम है, जिसके अंदर अनुमानित अभी तक हमारे 20 और 22 के लमसम ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा ब्लड डोनेट कर दिया गया है। संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी की ओर से दिशा सेमिनार का आयोजन किया गया। दिशा का उद्देश्य 12वीं के बाद विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति सजग और मार्गदर्शित करना था, ताकि वे करियर बनाने के लिए सही राह चल सके। सेमिनार में शिक्षाविदों ने अपने विचारों को साझा कर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी हनुमानगढ़ जंक्शन में दिशा 2019
एक सेमिनार हमने रखा है। खासकर क्या है कि जब हमारे सभी स्कूलों से जब क्लास 12th पास आउट होते हैं तो उन्हें ये पता नहीं तक लगता कि किस दिशा में जाएं, तो उस दिशा में थ्रू द ये कैरियर सेमिनार हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, चाहे वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स। और ख़ासकर हमने ये किया है कि जो 9th, 10th, 11th और 12th हम सिलेबस तो पढ़ाते हैं, सिलेबस के अलावा अलावा जो हमारे की स्पीकर्स हैं और आज के जो सेमिनार के की स्पीकर्स हैं वो हमारे टीचर्स ही हैं, वही इन बच्चों को, अपने बच्चों को कि क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियरिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो एवेन्यूज़ ओपन हो सकती हैं। तो जिसमें हमारे सभी टीचर्स जो हैं उन्होंने अपना नॉलेज बांटा है, और ख़ासकर हमने क्या किया है कि एक रूम जो स्मार्ट क्लास है उसे हमने कन्वर्ट किया है थिंक टैंक में। थिंक टैंक का मतलब यह है कि इस रूम में जो हम क्लासेस को अपने रेगुलर स्टडीज़ के अलावा हम कोर्सेज के बारे में भी विस्तृत जानकारी थ्रू रिसोर्स मटेरियल हो गया, बुक्स हो गया, टीचर्स हो गए हमारे, और बहुत सारे हमने वीडियोस उसमें अपलोड किए, जिससे जो हमारे बच्चे हैं जब वो 12th पास आउट हो तो वो क्लियर रहें कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और वो किस तरह से उनको परस्यू कर सकते हैं। टाउन स्थित SHN सभा में चातुर्मास को लेकर महासाध्वी स्वाति महाराज थाना 5 का प्रवेश हुआ। साध्वी स्वाति महाराज द्वारा चातुर्मास को लेकर प्रवचन कार्यक्रम किया जाएगा। भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। सभी गुरु भगवंतों की जय। पर्वती संधारा साधिका गुन्नी मैया श्री स्वयं कांता जी महाराज की जय। पर्वती संधारा साधिका गुन्नी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय पर्वती गुन्नी मैया शासन ज्योति गुन्नी श्री सुधा जी महाराज की जय। पंजाब विरांगना कोकिल कंठी गुन्नी मैया श्री किरण जी महाराज की जय। SHN सभा में आगामी 2019 के चतुर्मास के लिए माँ साध्वी श्री स्वाति जी महाराज थाने 5 का आज भव्य प्रवेश हुआ, जो आगामी 16 तारीख को SHN सभा किले के सामने हनुमानगढ़ टाउन में 4 महीने का चतुर्मास रहेगा, जिसमें जैन धर्म के अनुसार जब तप संयम एवं वहाँ पर धर्म ध्यान होगा, और इसके अंदर सुबह 8:15 से लेकर 9:15 तक प्रवचन का समय रहेगा। सभी हनुमानगढ़ वासियों से मैं ऐसे जनसभा की ओर से निवेदन करता हूं कि समय पर पहुंचकर प्रवचन का और धर्म ध्यान का लाभ उठाएं। चतुर्मास का हर धर्म के अंदर चतुर्मास का खास महत्व रहता है। इन 4 महीनों के अंदर यही रहता है कि कम से कम इस 4 महीनों के अंदर जो जीव जंतु होते हैं, बरसात का मौसम होने के कारण काफ़ी पैदा होते हैं, इस कारण इस 4 महीनों के अंदर हमारे जैन धर्म के अनुसार 4 महीने हर साधु संत इन 4 महीनों के अंदर एक जगह पर रहकर धर्म ध्यान करते हैं। 22 जुलाई से शुरू होने वाले खसरा रूबेला अभियान में शिक्षा महकमा अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि टीकाकरण की शुरुआत स्कूलों में होगी। निजी हो या सरकारी, पहले स्कूलों में बच्चों के टीकाकरण किया जाएगा। अभियान को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अभियान को लेकर संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को जानकारी दी। डिपार्टमेंट ये कवरेज हो जाता है, तो निश्चित रूप से अपन सोशल ढंग से इस कार्यक्रम को चला करके एक पैसे ये कह सकते हैं कि एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपन पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो मेरा अपना निवेदन है कि आप अपने अपने जो परीक्षेत्र हैं, अपने अपने जो ब्लॉक हैं, होटल हैं, उस होटलों के स्कूलों की संख्या
लेकर के उनके बच्चों का नामांकन लेकर के और पूरे स्कूलों के अंदर जो प्रभारी टीचर बनाया है उस प्रभारी टीचरों से पहले से आप कोऑर्डिनेट कर लें ताकि उस दिन व्यवस्था के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या मैनेज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी आपने अपने इसको अलग अलग बांट करके रोड वाइज बांट करके और प्रत्येक संस्था का जो संस्था प्रधान है उससे आप व्यक्तिगत कोऑर्डिनेट करेंगे। पूरा प्रोग्राम है उनको समझाएंगे उसकी जो पूरी तैयारी उस पूरी तैयारी को आप समझाएंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट जब इसको जिस दिन इसको प्रोग्राम चलाएगा उस दिन कम से कम 3 कमरे उनको चाहिए। वो 3 कमरों के लिए पहले व्यवस्था पहले तय करने तो वो 3 कमरे एक साथ होने चाहिए। पहला बच्चा के लिए एक वेटिंग रूम होगा जिसके अंदर आकर के वो जीवन बैठ सके क्लास टीचर उसके साथ आएगा। उसके बाद के अंदर दूसरा जो रूम है जहाँ पर इंजेक्शन उसको लगेगा और तीसरा एक रूम और होगा जिसके अंदर वो जिसको बच्चे को ऑब्जर्व करवा किया जाएगा। इंजेक्शन लगने के लगभग आधे घंटा तक बच्चे को ऑब्जर्व किया जाएगा कि कोई विभाग की तरफ से जो खसरा रुबेला प्रोग्राम है उसको सही ढंग से संचालित करने के लिए आज कार्यालय स्तर पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। हमारे टोटल 218 प्राइवेट स्कूल हैं और 188 गवर्नमेंट के स्कूल हैं एलिमेंट्री से और सेकेंडरी दोनों मिलाकर के और लगभग 31,000 बच्चों की संख्या गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर है और 45,000 करीब प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी नामांकन है। उन सारे बच्चों को हम इस प्रोग्राम से जोड़ सकें इसके लिए बाकायदा एक जिसको हम कह सकते हैं कि माइक्रो प्लान बनाने के लिए आज ये प्रयास किया गया है कि सबको अलग अलग ग्रुप बना करके उसकी हम सही ढंग से मॉनिटरिंग कर सकें। इसके लिए प्रिंसिपल्स के हमने पहले मीटिंग ले लें जिसको PO कह सकते हैं प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर उनको सही ढंग से कन्वेंस कर दिया गया है। निजी शिक्षण संस्थाओं के भी एक मीटिंग का प्रोग्राम हमने रखा है मंडे को मीटिंग रखेंगे उसके अंदर उनको सही ढंग से कन्वेंस किया जाएगा। उसके बाद में कार्यालय के स्तर पर 2 ACP हैं उनको अलग अलग प्रभारी बनाया गया है और कार्यालय के अन्य जो स्टाफ है उसको भी 5 हमारे जैसे शहर के अंदर नोडल हैं तो प्रत्येक नोडल के ऊपर एक एक को प्रभारी बना करके माइक्रो प्लान बना करके इस कार्यक्रम को सही ढंग से संचालित करने का प्रयास किया जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।